हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दो स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे एक तो हम बात करेंगे आई से रिलेटेड एज वेल एज हम यहां पर बात करने वाले एक और स्टॉक से जिसका नाम है रेपकोहूम ओके okay. यहाँ पर दोनों में अच्छा खासा पैसा आपका बनता हुआ नजर आएगा क्यों बनता हुआ नजर आएगा क्या ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आएगा तो वीडियो में जानेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को हट ऑल की नोटिफिकेशन ऑन इसे भी यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा नीतीश कुमार यहाँ पर वीडियो डालते रहते हैं तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल खुद की स्टडी करना है वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करते हैं बेलाइक को नहीं दबाते तो बेलाइकन को हिट दबा कर लीजिएगा नोटिफिकेशन

आपको बता दिया था कि ये जो गिरावट हुई है ये एकदम सपोर्ट है ओके सब इस इधर तक मार्केट गिरेगी यहाँ से एकमोलेशन होगा चीटें भागेगी और वहीं से देखिए मार्केट गिरी हुआ चीटें भागी और आज के दिन तो कमाल कर दिया ओके तेजी हुई इससे रिलेटेड हम बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो सबसे पहले हम बात करते हैं आई की आई एक्स यहां पर शेयर अगर हम बात करें एक कंटिन्यूअस गिरावट यहाँ पर होती हुई दिखाई दी आप यहाँ पर देख सकते हैं शेयर ने हाई बनाया हाई बनाने के बाद यहाँ पर एक गिरावट हुई ओके बेहतरीन यहाँ पर गिरावट होती हुई दिखाई दे दे, चुकी है बट अब ये क्या है ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए क्यों क्योंकि क्यों? यहाँ पर जो चार्ट दिखा रहा है वो चार्ट यहाँ पर आई का बता रहा है कि भाई हाँ मैं गिर लिया मेरा हो गया अब आपकी मर्जी है आप खरीदना है पैसा कमाना है तो खरीद लो नहीं कमाना तो आपकी मर्जी है तो वही ही यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है आई की बात करें आपको पता ही है एनर्जी एक्सचेंज है एनर्जी एक्सचेंज एज वेल एज यहाँ पर निफ्टी एनर्जी को अगर मैं दिखाता हूं तो आपको पर पता चलेगा निफ्टी एनर्जी यहाँ पर टॉप पे चल रहा है और निफ्टी एनर्जी टॉप पे चल रहा है बट निफ्टी का एक्सचेंज पर टॉप पे ना चले तो ये थोड़ी सी हो जाती है ओके okay? क्योंकि सारी के सारी बिजली का जो यहाँ पर ट्रेडिंग होती है वो केवल इसी पर्टिकुलर स्टॉक्स आईई में होती हुई दिखाई देती है और ये दोबारा टॉप पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पर बात करें एक तो यहाँ पर और अक्टूबर से मतलब सितंबर बीच में अक्टूबर से यहाँ पर गैस से रिलेटेड ओके गैसोलिन का भी एक्सचेंज यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा और जब यहां पर एक्सचेंज होता हुआ दिखाई देगा अक्टूबर से एक न्यूज भी थी आप यहाँ पर जाके एक बार देख सकते हैं आई एक्स न्यूज तो आपको पता चल जाएगी एक्सचेंज uh, तो सर जिस पावर्स मिनिस्ट्री सिक्स टू रिमूव कैप ऑन हाई प्राइजेस तो यहाँ पर दे रखा है ओके okay, यहाँ पर कहीं ना कहीं न्यूज होगी आप, आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं तो यहाँ पर एक्सचेंज में यहाँ पर ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी जब ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी ऑब्वियसली बार चीजें भागेगी बट आप सोचेंगे कि तब लेंगे जब यहाँ पर एक्सचेंज में ट्रेडिंग शुरू होगी तो मार्केट पहले ही यहाँ पर उस चीज़ को प्रेडिक्ट करके चलता है और पहले ही यहाँ पर रिटर्न दे देते दे हैं बाद में आप ऊपर के लेवल पर फंस जाते हैं फिर आप कहते हैं कि यहाँ पर हम फंस गए तो आई एक्स की अगर हम बात करें तो बार बार यहाँ पर वीडियो बनाई है बार बार आपको यहाँ पर पैसा कमवाया है जब ये स्टॉक स्प्लिट भी नहीं हुआ था उससे पहले यहाँ पर वीडियोस बनाई थी ओके बैड न्यूज वगैरह ये तो छोड़ दो ओके चार महीने पहले जब वीडियोज बनाई थी तब पैसा बना था ओके okay, 64 परसेंट क्रैश हुआ यहाँ पर बोनस दिया उसके बाद ये शेयर भागा था ओके वन रेशो वन तब भी यहाँ पर शेयर पैसे भागा था बहुत बार वीडियो बनाई है और बहुत बार मैंने यहाँ पर लिया छोटा आई -एक्स, अलग अलग यहाँ पर वीडियोज यहाँ पर बनती रही है। तो जाके वीडियोज का लिंक

अः uh, और बात करें यहाँ पर कुछ और चीजों की तो यहाँ पर एक का फेस वैल्यू है ओके डिविडेंड भी कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर प्रोवाइड करती है मैक्सिमम चार्ट पर ट्रेन भी देखेंगे तो सत्रह में आया था उसके बाद एक कंटिन्यूअस अः uh, यहाँ पर बात करें कंसोलिडेशन uh, था उसके बाद एक अच्छी खासी जंप उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट तो यहाँ पर लगभग ये शेयर अगर हम देखते हैं तो आधा होता हुआ दिखाई दे रहा है तो आधे पे ये चल रहा है 50 परसेंट की गिरावट है और 50 परसेंट की गिरावट के बाद बार बार एक ही जगह पर आ रहा है तो उसी को हम यहाँ पर देखेंगे

नेट प्रॉफिट करोड़ के आसपास ये सारी की सारी चीजें बताती है कंपनी अच्छी है यहाँ पर देखिए लगातार बढ़ रहे छह सौ करोड़ के आसपास के ना के ना बराबर है वर्किंग में करोड़ इन्वेस्टमेंट लगभग तेरह करोड़ कैश की बात करें कैश यहाँ पर देने रखा है एफ इन... आईज की होल्डिंग देख सकते हैं एफ ने यहाँ पर सात परसेंट के आसपास की होल्डिंग बेची है और इस वजह से शेयर यहाँ पर ऑलरेडी गिर चुका है वो प्राइसिंग हो चुका है सैतीस से बीस हो गया है ओके और जब इन्हें खरीदना होगा दोबारा आ जाएंगे तब यहाँ पर इसी तरीके से चीजें चलती है डीआईएस की बात करें डीआईएस ने यहाँ पर बाइंग करी है सत्रह से उन्नीस उन्नीस से इक्कीस पब्लिक की बात करें पब्लिक ने भी यहाँ पर बात करें खरीदारी करते हुए नजर आया क्योंकि पब्लिक ज्यादा खरीदती है जब पर बड़े लोग बेचते हैं ना तभी है पब्लिक है पब्लिक खरीदती हुई नज़र आती और जब नीचे आते हैं जब ये एफ आई खरीदना शुरू करेंगे ये लोग यहाँ पर बेचते हुए नजर आएंगे क्यों क्योंकि यही होता आया है आज तक तो इनकी मेंटेलिटी को आपको समझना होगा इनकी मेंटेलिटी को समझे तो पैसा ऑटोमेटिकली बनेगा आई की बात करें चार्ट की सबसे पहले यहाँ देखिए वॉल्यूम तुम्हारा आना शुरू हो गया है पॉजिटिव आ रहे हैं और बार बार एक ही रेंज में आके शेयर रुक रहा है देखिए यहाँ पर रुका फिर एक बार यहाँ रुका फिर यहाँ पर रुका और यहाँ से दोबारा चलना शुरू कर दिया है एक रेजिस्टेंस नजर आता है आज भी वही रेजिस्टेंस को सपोर्ट करके चाहिए थोड़ी सी नहीं चाहिए जैसे ये टूट जाता है सबसे पहले वन के टारगेट आएंगे जो कि अगर मैं बात करूँ कितने परसेंट के टारगेट है जो कि लगभग आठ नौ परसेंट के टारगेट है ओके तो ये पहला टारगेट है दूसरा टारगेट ये है और जब ये पर्टिकुलर लेवल्स को यहाँ पर क्रॉस किया ना 22% परसेंट के तो याद रखिए शेयर और भागेगा जो कि यहाँ पर जाएगा सीरीज 57 तो 57% परसेंट के इन्वेस्ट कर सकते हैं प्राइज इन होना था वो हो चुका है चीजें यहाँ पर अब अच्छी नजर आती है गिरती हुई नजर नहीं आती तो आई की तरफ क्या करना है ध्यान देना है अब बात करते हैं रेपको होम ऑलरेडी रेपको होम से रिलेटेड पहले ही वीडियो बनाई थी जिस दिन बनाई थी उससे अगले दिन बीस भी भागा था यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ओके okay, तो आपको पता चलेगा 20 परसेंट उस दिन भागा था यहाँ पर देखिए उसके बाद फिर तेजी हुई सामने ऑलरेडी रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ लगा के हम बैठे हुए थे वहीं से एक गिरावट होती हुई दिखाई दी अब दोबारा क्या हो रहा है दोबारा एकमुलेशन हो रहा है और शेयर भागता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर चार्ट बनता रिवर्स हाइड एंड शोल्डर पैटर्न बन के चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है जो की मैं बात करूंगा बाद में अब बात करें स्मॉल कैप कंपनी है कंपनी अच्छी खासी है अच्छा खासा यहाँ पर बिजनेस करती हुई नजर आएगी ओके कुछ न्यूज आती हुई दिखाई दी थी, थी कुछ ब्रोकरेज यहाँ पर बुलिश थे इस वजह से शेयर यहाँ पर भागता हुआ नजर आया और कितने परसेंट के रिटर्न दिए आप यहाँ पर देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा इस कंपनी ने आपको एक महीने के अंदर अंदर डेढ़ सौ परसेंट के आसपास के रिटर्न दे चुकी है तो ये गिरी भी थी इसी तरीके से गिरी थी ओके जब भाग रही है इसी तरीके से भाग रही है पी सात का है इंडस्ट्री का चौबीस का है तो कहीं ना कहीं सस्ता है की हम बात करेंगे, नहीं, और आधी से कम हो गया था यहाँ पर यह शेयर, तो इस चीज को भी ध्यान में रखिए कि अगर 357 तक भी जाता है तो भी यहाँ पर आपको अभी भी लगभग 20 तीस परसेंट के रिटर्न आपके बनते हुए नजर आते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं शेयर दो में आया हाई बनाया दो में आठ कुछ का यहाँ पर भी बात करेंगे तो लगभग तीन का इसने अभी 52 वीक का हाई बनाया था उसके बाद गिरावट और अब दोबारा शेयर भागना शुरू हो रहा है यहाँ पर बात करें नंबर लगातार अच्छे खासे आ रहे हैं मार्जिन कंपनी के अच्छे खासे आए रहे हैं अट्ठाईस परसेंट का इसी वजह से ये शेयर में मूवमेंट था बासठ करोड़ के आसपास का यहाँ पर नेट प्रॉफिट था यहाँ पर बात करें कंपनी का तो जीपी अगर हम बात करें नेट एनपीए इनके बढ़ते हुए बढ़ते हुए नजर आया और ग्रॉस एनपीए भी बढ़ते हुए नजर आया

एफआईस ने थोड़े से शेयर बेचे हैं डीआईएस ने भी थोड़े से शेयर बेचे हैं, और पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास लगभग उनतीस परसेंट के शेयर है उनतीस में अगर हम बात करें एक परसेंट के शेयर निपॉन ने यहाँ पर खरीद रखे हैं, तो यहाँ पर अच्छे खासे शेयर मार्केट में फ्री फ्लोट है ओके फ्री फ्लोट यहाँ पर नजर आते हैं अब बात करते हैं चार्ट की तो ऑलरेडी वन के रिटर्न ये दे चुका है और मैंने यहाँ पर पहले ही बता दिया था देखिए यहाँ पर कि जिस तरीके से शेयर भागा है यहाँ पर अभी भी 60 परसेंट से ज्यादा की रिटर्न पर बनते हुए नजर आ रहे हैं नजर आ रहा है तो 431 तो थर्टी पर राउंडिंग uh, बॉटम भी नजर आ रहा है कि राउंडिंग बॉटम बन रहा है एज वेल एज यहाँ पर बात करें कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर एक शोल्डर बनाया फिर एक शोल्डर बनाया ओके okay, इसके बाद यहाँ पर एक हेड बनाया और अगेन यहाँ पर से नीचे से आ रहा है शोल्डर बना रहा है तो क्या तो सिंपल सा मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स रिवर्स एड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और इसके बेसिस पे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सीधा यहाँ पर टारगेट आते हुए दिखाई दे रहे अच्छे खासे। एक मिनट तो इसके बेसिस पे आप अगर आप यहां पर इसे चुनना शुरू करेंगे और यहाँ पर इसे लगा देंगे तो देखिए जो टारगेट में बता रखे हैं ना सेम चार सौ इकतीस मतलब अट्ठावन परसेंट ये और शेयर अभी चल रहा है अठहत्तर परसेंट के रिटर्न आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं तो आने वाले टाइम में तो कब आएंगे आ जाएंगे